जिला मंडी में संत रामपाल महाराज के हजारों अनुयायियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। संत रामपाल महाराज के हजारों अनुयायियों ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। संत रामपाल के प्रेस प्रवक्ता चंद्र सिंह राठी ने बताया कि आज के ही दिन पूरे भारत में प्रत्येक जिला के उपायुक्तों के माध्यम से अनुयायियों द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि दिनांक 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ के द्वारा जो SC ST कानून को कमजोर करके पिछले समाज को सम्मान से जीने के हक पर कठोराघात किया गया है, उसे पूर्व की तरह लागू करें। ये कानून सन 1979 में बनाया गया है। उसके बाद पिछड़ा और अति पिछड़े समाज के हकों की रक्षा तथा समाज में सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त हुआ था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस कानून की हवा निकाल कर रख दी है। पिछड़ा व अन्य पिछड़े समाज को फिर से 100 साल पुराने समय की तरह नरक का जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया है। वह सब मौजूदा सरकार का अपने परंपरागत वोटरों को खुश करने के लिए करवाया गया था। इस फैसले के बाद पूरे भारत में पिछड़ा व अति पिछड़े समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, जबरदस्ती मुकदमे थोपे गए हैं उनके ऊपर। तो हम जो है इसके लिए न्याय चाहते हैं। तब हमारी डिमांड है, हम ये ज्ञापन दे रहे हैं DC महोदय जी को, भाई हमारी इन बातों के ऊपर जो है सुनवाई की। उनके ऊपर कोई देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। वहां आश्रम के ऊपर जो था पुलिस वालों ने हमला किया, 43,500 CRP लगाई गई थी, जबकि वहां पर सत्संग हो रहा था। सभी भक्तों को तंग किया गया, लाठी चार्ज किया गया, लाठी चार्ज से कईयों की वहां पर मौत भी हो गई। तो ऐसा है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर जो जल्दी से जल्दी सुनवाई की। हमारे यहां पर इकट्ठे होने का ये प्रयोजन है कि हम क्या अपने जो मांग है DC साहब के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो दलित भाई, जो हमारे दलित पहले से कानून बना हुआ है, उस कानून को संवैधानिक तौर से वैसा ही रखा जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाए। तो हम दलित समाज से जो भी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज और हमारे समाज समिति समाज सेवा समिति द्वारा हमें ये चीज अपने DC जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो भी दलित भाई बहन हैं और जो हमारे दलित कानून है अभी तक जो जैसे बने उनको ऐसे ही रहने दिया जाए, ना कि उनके साथ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करी जाए।